हेलो, सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बादल फटा था, तो दोस्तों काफ़ी दुखद की बात है कि यहाँ पे अपना एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है। तो दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ है, इस नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। दोस्तों हमें खेद है इस बात के लिए, तो खेद तो इस बात के लिए भी कि मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया है दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हो, रोड नीचे से कट चुका है दोस्तों, खोखला होया हुआ है, लोगों का ऊपर से आना जाना जारी है दोस्तों। यहाँ से रोड सारा कट चुका है दोस्तों, ये पानी का उफान काफ़ी हो चुका था। ये रोड पे गाड़ी खड़ी है दोस्तों, फंसी हुई गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों किस तरह तबाही मची हुई है इलाकों में देख रहे हैं आप ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको दिखा देता हूँ, लोगों के घर के दरवाजे तक दिखा दूंगा मैं आपको कमेंट। ये देखो दोस्तों, घर का दरवाजा पड़ा है जैसे कि सामने देख रहे हो आप। देखो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह की ये पहाड़, देखो पहाड़ सामने में किस तरह स्लाइड हो रखा है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये दोस्तों यहाँ पे से आप देख रहे हो। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ से सारा रोड नीचे को स्लाइड हो रखा है। ये देखो दोस्तों, नदी के साथ भी कुछ मिला हुआ है यहाँ से। और देखो जैसे यहाँ पे टूट के नीचे दोस्तों रोड यहाँ पे से ब्लॉक हुआ हुआ है। तो मतलब यातायात में भी काफ़ी परेशानी है दोस्तों यहाँ पे लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोगों को देहरादून पहुँचाया गया है यहाँ से सुरक्षित। दोस्तों जो यहाँ के आम लोग दोस्तों, उनसे मैंने बात की थी, तो उनका कहने का मतलब है कि कम से कम यहाँ से कम 150-200 लोगों की गायब होने की आशंका है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी घर दोस्तों दिख नहीं रहे, गायब है। मतलब कि घर दोस्तों लोगों के बोरी बिस्तरे गायब है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया दोस्तों। देखो पानी अभी इतना स्तर नीचे घट गया दोस्तों एक दिन में। देखो दोस्तों पानी का जब बादल फटा था दोस्तों, यहाँ तक जा रहा था दोस्तों पानी ऊपर तक। ये देखो दोस्तों सारा पानी का बहाव, देखो खेतों में पानी घुसा हुआ है दोस्तों, जबकि आज देखो पानी कितना नीचे है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि कितना पानी आया होगा, क्या तबाही मची होगी दोस्तों। देखो जबकि पानी इतनी हाइट से जा रहा था दोस्तों, देखो पुल के ऊपर से जा रहा था दोस्तों पानी, यहाँ से देखो ये पुल के ऊपर से क्रॉस हो रहा था दोस्तों पानी यहाँ से। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि कितनी तबाही मची होगी इस इलाके में। खुद ही देख सकते हो पार कितनी तबाही मची होगी दोस्तों इस इलाके पर।